अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स एलिडे रेसनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 38, फोटॉन्स एंड द मैटर वेव्स, प्रॉब्लम 58। वो कहता है व्हाट आर द एनर्जी ऑफ फोटॉन, कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ 1 नैनोमीटर है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 नैनोमीटर है। वो कहता है फोटॉन की एनर्जी 1 फेमटोमीटर में बताओ, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की 1 फेमटोमीटर में बताओ। अब जनाब एनर्जियां निकालनी है हमने इलेक्ट्रॉन और फोटॉन की, सिमिलर आइडेंटिकल केस है, तो P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, सी से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ तो ये एनर्जी बन जाएगा एच सी बाई लैम्डा। एच सी का हासिल द्रव्य हम जानते हैं, लैम्डा उसने दे दी थी, तो ये 1.24 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए जाते हैं तो के पी बराबर आ जाता है 2 mK, तो दोनों तरफ से के स्केयर करके के बराबर आ जाएगा पी स्केयर बाई 2 m। पी बराबर होता है एच बाई लैम्डा, वो वैल्यू डाल गई एच स्केयर 2 m लैम्डा स्केयर। एच की वैल्यू भी पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, वेवलेंथ भी पता है, तो 2.41 × 10⁻¹⁹ जो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। फिर उसी तरीके से अब है 1 फेमटोमीटर का, तो पहले फोटॉन के लिए मामला पी सी दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर दिया, एच सी का हासिल द्रव्य जानते हैं, वेवलेंथ जानते हैं, 1.24 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब चूंकि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आ जाएगा, चूंकि आपके पास वेवलेंथ इंतहाई कम हो चुकी है, तो हम इसकी एनर्जी रिलेटिविस्टिक टूल से देखेंगे, तो आपके पास बराबर आ जाएगा पी इक्वल टू एच बाई लैम्डा, ई स्केयर बराबर होता है पी स्केयर सी स्केयर एम स्केयर सी फोर, यहाँ से ई की वैल्यू डाल देंगे स्केयर रूट के अंदर डाल करके पी की जगह एच बाई लैम्डा डाल देंगे, तो ये टूल आ जाएगा। अब हमारे पास एच सी का हासिल द्रव्य भी है, हमारे पास एम सी का भी वैल्यू हासिल द्रव्य भी है, तो ये सारी वैल्यू उसको प्लेस कर देंगे, वेवलेंथ की वैल्यू आपके पास 1 फेमटो है, ये आपके पास सॉरी 1 फेमटो है, 1.0 आएगा यहाँ पे, 1 फेमटोमीटर है, तो इस सारे की वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 1.24 × 10³ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, और ये 1.24 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला जा सकता है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।